सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल चैंपियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपका सिस्टम सुपरवाइजर क्वालिफाई 2 CC का बिजनेस आपका ने कंप्लीट किया है, एंड आने वाले टाइम में आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप सभी का 120 CC का बिजनेस क्वालिफाई होगा, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद सीनियर मैनेजर होगा, सोरिंग मैनेजर होगा, सफायर मैनेजर होगा। सो आने वाले टाइम में जो आपकी जो इनकम डे बाय डे इंक्रीज होती चलेगी, 10,000 की इनकम, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 भी महीने का, 50,00,000 भी महीने कमा सकते हो, तो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आज आपका स्टार्टअप है, आपने पहला दिन होएगा, दूसरा दिन होएगा, 10वां दिन होएगा, 5वां दिन होएगा बहुत सारे लोगों का, 15 दिन किसी को हो गए होंगे। सेम आप ही की तरह सिस्टम के अंदर नियर अबाउट 6 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ थी सिस्टम से, और 6 साल पहले सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले दिन ज्यादा कुछ नहीं समझ, इतना समझ में कि सिस्टम में पावर बहुत है, पैसा बहुत है। इस पावर और पैसे को समझ के अंडरस्टैंड करा, और इसको जो ट्रेनिंग्स वगैरह मिले उसको अंडरस्टैंड करने स्टार्ट करे, सीखना स्टार्ट करा, सीखते सीखते नियर अबाउट कुछ महीनों के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। ठीक है, नियर अबाउट मेरे सिस्टम में 7वें महीने मैनेजर लेवल हो गया था, और आज टीम की बात करें इन 6 सालों में नियर अबाउट 400+ मैनेजर है टीम के अंदर, और आज टीम के अंदर 1,00,000 रुपये से लेकर 12,00,000 रुपये के से ऊपर के कमाने वाले मैनेजर मेरी टीम के अंदर। आज टीम के अंदर 15,000 से ज़्यादा लोग हैं जो इस सिस्टम से रोजगार ले रहे हैं, मतलब आज 15,000 वो लोग हैं जो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सिस्टम का पार्ट बनकर के आप सभी अपनी लाइफ को भी चेंज करेंगे, और अपने दोस्तों की लाइफ चेंज करेंगे, अपने साथ साथ बहुत सारे अननोन पर्सनालिटीज की भी लाइफ चेंज करेंगे। सो आज ये सारी चीजें, जो चीजें मैंने आपको अचीवमेंट्स वगैरह बताई है, सारी चीजें अचीव करने के लिए, आप सभी को कुछ एक रूल्स की जरूरत होती है। ठीक, कुछ एक रूल्स को सीखना पड़ेगा, कुछ एक एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये एथिक्स रूल्स को फॉलो करते हैं, आने वाले टाइम में आप सभी इस अचीवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। आप सभी के घर पे जो आपकी जो ड्रीम कार होगी, जो ड्रीम हाउस है, आने वाले टाइम में आपके घर पे ड्रीम कार होगी, और आने वाले टाइम में ड्रीम हाउस में आप अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। सो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप सभी की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, जस्ट वेट। सो आई होप सभी ने डायरी पेन ओपन कर लिया है, आगे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है हाउ टू बिकम अ डायमंड मैनेजर। आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड मैनेजर कैसे बन सकते हैं, डायमंड मैनेजर बनना है तो कुछ एक रूल्स हैं, उसको फॉलो कर लिए, उसको सीख गए ना, डेफिनेटली आप किसी भी लेवल को आप आसानी से इजिली हिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लेवल हिट करना है, कोई कहीं पे भी जाना, आपको गोल बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी गोल गोल होगी। जिस दिन आपका गोल बन गया ना, गोल बनने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेने लग गया, उसके बाद प्लान बनाने, उसके बाद एक्शन लेने लग गए ना, डेफिनेटली आप उस गोल को हिट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, आप जिस भी सिटी में रहते हो, उस सिटी से आपने दिल्ली जाना है, उस सिटी से आपने चंडीगढ़ जाना है, उस सिटी से आपने मुंबई जाना है, आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी जाके आप पहुंच पाएंगे। जैसे सपोज करो आपने, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से आपने मुंबई जाना है, मुंबई जाना तो है लेकिन आपको जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा आप किस वे से आप मुंबई जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। ठीक है, जब आपका गोल बन जाएगा मुंबई जाने का तो आप रास्ते ढूंढेंगे किस तरीके से आप वहां प्लान करेंगे, किस तरीके से वहां पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है आपने। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप सपोज करो बस में जा रहे हैं, ठीक है, बस में जा तो रहे हैं, बस में बैठ गए और टिकट टीटी से पूछते हैं, आपके पास कंडक्टर आता है, टीटी आता है, आप सब पूछते जाना कहाँ है। ठीक है, आप बोलते हो कहीं भी ले चलो, तो उस टाइम पे क्या होगा, या तो आपको बस से उतार दिया या तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी वहां पर। तो अगर आपने कहीं जाना है, आपने कोई लेवल अचीव करना है, कुछ पहले गोल बनाना बहुत जरूरी है, उस गोल के ऊपर एक्शन प्लान लेंगे तभी जाके हिट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, गोल बन गया, ठीक है, एंड प्लानिंग होगी, उसके बाद एक्शन लेना स्टार्ट करा, धीरे 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 आपके अपने गोल के पास आना स्टार्ट करोगे। लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ एक बॉडी लैंग्वेज, कुछ एक पर्सनालिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव दिखती है, तो आप अपने गोल तक, अपने लेवल को, अपने ड्रीम लेवल को आप आसानी से बहुत कम टाइम के अंदर हिट कर पाएंगे।
इस बिजनेस के अंदर पर्सनालिटी बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा महत्व देती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो लोग इस बिजनेस के अंदर ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, दोनों में ही आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी खराब है तो आपके साथ ज्यादा बहुत आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, आपकी टॉकिंग सेंस बहुत अच्छी है, आपका मतलब कि मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, तो आप बहुत कम टाइम के अंदर अपने लेवल को हिट करेंगे, अपनी ग्रोथ को बहुत कम टाइम के अंदर अपने ड्रीम लेवल को हिट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस को राह चलते भी शेयर कर सकते हैं, राह चलते भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जस्ट आप सपोज करो आप कहीं जा रहे हैं, आप इस बिजनेस को ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, आते जाते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल चलते कितने सारे लोग हम आपको क्रॉस करके जाते हैं, आपके आगे चल रहे थे, आपके दाएं चल रहा था, बाएं चल रहे थे, ठीक है। सभी को अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट है, सभी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। सिंपल से बात है, जैसे सपोज करो आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ में कोई पर्सन है, जस्ट सिंपल से बात करना, जस्ट से हेलो, मतलब उस पर्सन से पूछना हेलो, सामने वाला जवाब देगा हेलो, उसे कुछ किसी लोकेशन के बारे में पूछ लिया आपने, उस लोकेशन के बारे में भी आपके साथ ही जा रहा, दो चार बातें करते करते एक दूसरे के आप दोस्ती हो जाए, दोस्ती होने के बाद नंबर शेयर हो गया, नंबर शेयर होने के बाद उसको बिजनेस में लेके आए, ठीक है। आगे आपकी बातें, मतलब कि सिंपल से बात, हेलो से एक बात स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो से आप उसको कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी लोकेशन के बारे में पूछ ले, किसी स्वीट्स के बारे में पूछ ले, कोई मोबाइल के बारे में पूछ ले, कोई किसी आसपास किसी शॉप के बारे में पूछ ले, किसी भी तरीके से आप अपने बात को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे में आपकी बात शुरू हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में कोशिश करें बीच में छोटा सा कॉम्प्लीमेंट जरूर दे दें, कॉम्प्लीमेंट उसके ड्रेसअप के बारे में दे सकते हैं, उसके टॉकिंग सेंस के ऊपर दे सकते हैं, उसके मोबाइल फोन को देख के दे सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के देख के दे सकते हैं, उसके बिहेवियर को देख के दे सकते हैं, उसके टॉकिंग सेंस के बारे में देख के किसी भी एक छोटे से पॉइंट, मतलब कि उसके जो चीज उससे बात करके जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके ऊपर आप एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, क्योंकि आज के टाइम की बात है हर किसी को कॉम्प्लीमेंट सुनना पसंद होता है, ठीक है। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आप के साथ उसका एक गहरा संबंध बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट देख के देना है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट जा रहा हो, ऑपोजिट जाने का मतलब सपोज करो सामने वाले ने पर्सन ने थोड़े से गंदे कपड़े पहने, पुराने कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। आप उसे बोलते हो भाई आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा, तो सामने वाला इंसान इंप्रेस होने से पहले इम्प्रेस होने की बजाय आपको आपकी बातों से बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करें, मतलब सॉरी उस अगर आपको उसके कपड़े गंदे लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है, तो आपको उसके टॉकिंग सेंस के बारे में बात करते, आपके बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है। और सामने वाला इंसान खुश हो जाएगा आपके साथ, एक अट्रैक्ट हो जाएगा आपके साथ, एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर उससे आपकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई तो उसके मोबाइल फोन के बारे में बोल सकते हैं, आपका फोन बड़ा प्यारा, बहुत अच्छा है, ठीक है। फोन के ऊपर रहने ही दे, ठीक है। नहीं तो कई सिचुएशन में कई बार होता है कि इंसान का मेरे फोन पे नजर है, ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेके जाता है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोल सकते हैं, उसके ड्रेसअप के बारे में बोल सकते हैं, एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगी ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में भी सेम इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना मैसेजेस के जरिए इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर आप मैसेजेस वगैरह सेंड करके आप नॉर्मल हेलो बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने फेसबुक पे इतने अननोन लोगों से पहले भी बात करी हुई, किसी मुझसे पहले आपने टाइम पास करने के लिए बात करी थी, अब आपने बिजनेस रिलेटेड बात करनी, सबसे बात करनी है, ठीक है। वहां से क्या होगा, आपके एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे आपके नेटवर्क इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। आगे आगे आपको आगे इन्विटेशन की जो ट्रेनिंग होगी नेक्स्ट सेशन में, उस इन्विटेशन की ट्रेनिंग में आपको अब लीड जनरेशन के बारे में अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लोग आपको कैसे फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर करा जाएगी। तो उसमें आपको इन्विटेशन के बारे में आपको क्लियरली एक एक स्टेप आपको वहां पे क्लियर करा जाएगा, समझाया जाएगा। आगे चलते हैं। इस बिजनेस के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, ग्रो होना है, तो सबसे पहले आज ही अपने अपलाइन को, अपने आप को सरेंडर कर दो। जब तक आप कामयाब नहीं होते, जब तक आपके इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ नहीं हो जाती, तब तक आपने अपने अपलाइन को, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को अपने अपलाइन को सौंप देना है, ठीक है। कोई भी चीज करने अपने एक्टिव अपलाइन के की बात समझ सुन के, बात समझ के करना। अपने अपलाइन का मतलब वो नहीं जो कि जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, आपके अपलाइन का मतलब जो आपके एक्टिव अपलाइन है, मतलब
जो आपको आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके वो हो सकते हैं सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, वो आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, या फिर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, जो आपको ज्यादा ध्यान देते हैं, आपके ज्यादा परवाह करते हैं, आपको एक अच्छे एक हमेशा आपकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जिनके साथ भी आप ज्वाइन है, आप उस पर्सन को अपने आपको 100% सौंप दें, 100% उसे दे दें। जैसे वो पर्सन आपको कहता है या कहती है, उसी हिसाब से आपने काम करना। देखना आपने जो टारगेट बनाए, जो गोल बनाए, उससे कम टाइम के अंदर आप उसे अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। टाइम पंक्चुअलिटी, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, देखो बोल तो देते हैं लेकिन उस टाइम टाइम के ऊपर करते ही नहीं है। तो अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो तो आप अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आज 8 बजे की मीटिंग थी, इसी मीटिंग को हम 9 बजे स्टार्ट करें, काफी काम खराब हो जाएगा ना, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की बात, उन्होंने टाइम निकाला था, उनका भी टाइम वेस्ट हो जाता है। सेम चीज, अगर आप टाइम के पंक्चुअल हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होएगा। मतलब 10% मेहनत करके आप उसको 30% का रिवॉर्ड ले सकते हैं, ठीक। अगर आपके टाइम के पंक्चुअल नहीं तो आप 50% रिवॉर्ड लेके आपको 10% भी रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक। आप 100% भी मेहनत करोगे तो आपको किसी 20% का भी ठीक से रिजल्ट नहीं आएगा। टाइम के पंक्चुअल होने बहुत जरूरी है। आपको टाइम पंक्चुअलिटी है तो आप बिजनेस के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर ग्रो कर पाएंगे। स्माइल के साथ बिजनेस करना है, स्माइल डोनेट भी करनी है। स्माइल लाइक मतलब किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी से आप शेयर कर रहे हैं, कुछ भी करें, हमेशा अपने आपके अपने फेस के ऊपर आपने हल्की सी स्माइल जरूर रखनी है, ठीक है। खुशी हो, अगर आप किसी को खुशियां बांटते हो ना तो उसे एक बॉन्ड तैयार हो जाता है। एक बॉन्ड तैयार होता है तो आपका एक अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार होता है। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता चला जाएगा। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जो खुश मिजाज के लोग होते हैं, जो खसमुख टाइप के लोग होते हैं, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। उन सभी लोगों को उनकी पहचान बहुत ज्यादा होती है, उनको उन सभी लोगों को फॉलो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। जो लोग खड़ूस टाइप के होते हैं, चुप टाइप के रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनको कोई नहीं पसंद करता, ये उनके उनके फैमिली वाले उन्हें पसंद नहीं करते। आपने डिसाइड करना आपने बनना कैसा है, ठीक है। ठीक है, खुश मिजाज रखना है, मतलब हंसमुख टाइप बनना है, तो अगर आपको हंसमुख बनते हैं तो आप बहुत कम टाइम के अंदर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो कभी भी किसी से बात करें, स्माइल के साथ बात करें। अगर आप फोन पे भी बात करें, वहां पे भी स्माइल के साथ बात करें, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है, इसकी जो वाइब्स होती है, इसको वाइब्रेशंस होती है ना, फोन के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। आप किसी से गुस्से में बात करें, हम बिना हंसे बात करते सामने वाले को, वो वाइब्स ट्रांसफर हो जाती है आप, ठीक है। हंस के बाद, चाहे आप हंसो भी ना फोन पे, आवाज साउंड ना है हंसने की, लेकिन उसके बाद भी उसको एक खुश वाइब्रेशन चली जाती है। अगर उसको कहीं टेंशन भी है तो आपसे बात करके खुश हो जाता है, ठीक है। अगर आप खड़ूस लैंग्वेज में बात करें, थोड़े से ऐसे ही गुस्से में बात करते हैं, तो अगर चाहे जितना मर्जी खुश हो इंसान तो दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस है खुशियां बांटने का, स्माइल बांटने का, ठीक है। लोगों को जितना ज्यादा खुश रख सकते, जितना ज्यादा लोगों से अच्छे तरीके से बात करो, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता चला जाएगा। रेगुलरिटी, ठीक है। देखो बिजनेस के अंदर रेगुलर एफर्ट्स करने बहुत जरूरी है। रेगुलर एफर्ट्स का मतलब, सपोज करो आप ज्वाइन भी आपने जिम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जिम के आज आप जिम में गए, अगले एक हफ्ते तक छुट्टी मार ली, 3 दिन की छुट्टी मार ली, मतलब आप उस जिम में बॉडी बनाने की जगह आपकी बॉडी खराब, बॉडी शेप खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो आप 3 महीने जिम गए, 3 महीने के बाद 1 महीने गैप डाल दिया, मतलब 3 महीने 1 महीने के गैप से क्या होगा कि आपने 3 महीने जो भी मेहनत करी थी वो जीरो हो जाएगी, पानी में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेम चीज डिसिप्लिन के साथ रेगुलर एफर्ट्स करते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ की साइड बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। आप आगे फॉरवर्ड होते चले जाएंगे, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ये समझ में आ रही है? नहीं तो बैक गियर लग जाएगा डियर, ठीक है। ग्रोथ की जगह पीछे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन के साथ रेगुलर एफर्ट्स करें, आगे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी ग्रोथ आगे होती चली जाएगी, मजा बहुत आएगा जिंदगी जीने में। चीज समझ में आ रही है? अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, आपके लाइफ के अंदर एक चमत्कारी रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएगा, चमत्कार की तरह आप सक्सेस होते चले जाएंगे, ठीक है। कभी भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर
आप अपने टाइम, अगर आज आप अपने टाइम को वेस्ट कर देते, टाइम आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखते, अगर आपने उस आज का जो आपका जो टाइम, टाइम बहुत प्रीशियस चीज है, अगर आप इसको बचा लेते, इसका ये यूटिलाइज कर देते, आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी बना देता, आपकी जिंदगी चमका देगा। आपने डिसाइड करना है अपनी जिंदगी को बनाना है या बिगाड़ना है। अगर बनाना चाहते हैं तो अपने एक एक मिनट, एक एक पल का यूटिलाइज करें, बिजनेस के अंदर लेके आए, आने वाले टाइम में आपकी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फॉरएवर का जो बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का बिजनेस नहीं है। आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, आज से ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आप, अगर आपकी ग्रोथ होती है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप आए। ठीक है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक है, और आप अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से आप ग्रो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आप पीछे, मतलब कि आप ग्रोथ नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे कामयाब होते चलेंगे, आपकी टीम का साइज बढ़ता चला जाएगा और एक आप अच्छे लीडर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी शार्प होती चली जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस है, देने का नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद सारा का सारा बिजनेस अपने अपलाइन के ऊपर थोप देते हैं, मतलब अपने उसका उसी उसका अपलाइन, उसकी पीपीटी भी कराएगा, उसकी उस पर्सन के सीनियर अप्रोच भी कराएगा, उस पर्सन का विजन भी क्लियर करेगा और सामने वाला पर्सन सोचता है कि हाँ इसने, मैं तो इसके साथ ज्वाइन हो गई, ये मेरे साथ नौकरी पे लगा पड़ा है। अपलाइन को कई लोग ये समझते हैं कि तो मेरे लिए काम करेगा, नौकरी पे लगा पड़ा है, तो मेरा नौकर है। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को, आपका बिजनेस है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है, आपने इस बिजनेस के अंदर टीम बनानी है, आपने अपने अपलाइन के साथ मिलके काम करना है। स्टार्टिंग के एक महीना आपके अपलाइन आपके साथ दिल लगा के काम करे, कोशिश करना जो काम आपकी अपलाइन करते हो सीख जाओ। अगर आप अपलाइन के सारे काम, सारे तौर तरीके सीख गए तो आने वाले एक महीने के बाद आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप 1% मेहनत करते हैं तो आपको 10% रिवॉर्ड आते चले जाएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये इतना बड़ा महत्व होता है आपकी लाइफ के अंदर, इतने ज्यादा फायदे होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अगर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाना स्टार्ट कर देते हैं ना, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर दूसरे के कंधे पे तो सिर्फ अर्थी जाती है, ठीक है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। अगर आप अपने दम पे जिंदगी जीना चाहते हैं, ग्रोथ अपने दम पे, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। डिपेंड होने का बिजनेस नहीं, सेल्फ डिपेंड होने का बिजनेस है। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड रखें। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ लेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। लर्निंग एटीट्यूड रखें। ठीक है, कोई भी चीज आती है, कोई भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसको डायरी पेन के साथ अटेंड करें। ठीक है, एंड हर एक चीज को राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करें, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना, संगत, अगर आप जैसा बनना चाहते हैं ना, उस टाइप के लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, आप आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप उसी टाइप के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट उसी टाइप के लोगों, आप उसी टाइप का बॉडी लैंग्वेज आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप गाली गलौज वाले ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दो, देखना एक हफ्ते बाद आपके मुंह से ऑटोमेटिक गालियां निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। आप किसी चोर के साथ 10 दिन लगा दो, आपको 11वें दिन आपको चोरी करने के बहुत सारे तरीके पता लगने, मतलब कि आपके दिमाग प्रोड्यूस करने लग जाएगा। आप किसी मिलेनियर के साथ 1 साल लगा दो, आप 1 साल के बाद देखेंगे अगर आप उस मिलीनियर 80% इनकम आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ है, आपने डिसाइड करना आपने संगत अपनी कैसे रखनी है। जैसे कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है, एक पहले बड़े बुजुर्ग की किसी की कहावत है, किसी ने कहा था कि अगर आपको किसी के बिहेवियर के बारे में जानना है, किसी की आदतों के बारे में जानना है ना, जो उसके खास दोस्त हैं, उसके जो कंपनी है, उसका जो संगत है ना, उन लोगों का बिहेवियर देख लो, आपको ऑटोमेटिक उसका बिहेवियर पता लग जाएगा। ठीक है,
संगत जैसी होगी आपके लाइफ के अंदर उसी टाइप के रिजल्ट आते चले जाएंगे। अगर आपने एवरेज जिंदगी जीनी है तो एवरेज लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, आपका माइंडसेट उसी टाइप का होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है तो जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बड़ी ग्रोथ ले रहे हैं, अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, अपने माँ बाप की जिंदगी बदल रहे हैं, उनके साथ रहना स्टार्ट करो, देखो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट यूज कर, इससे क्या होगा आपका माइंड लेवल भी स्ट्रांग होगा, आपका बॉडी भी स्ट्रांग होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, गुड लिसनर बने। ठीक है, अच्छी बातों को लिसन करें, बुरी बातों को बुरी संगत से मतलब कि दूर निकल जाएं, जिंदगी में आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें चलने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ठीक है, एंड पावर के साथ बात करें, बिलीव के साथ बात करें, देखें और बिलीव अपने सेल्फ बिलीव रखें, अपने आप में भरोसा रखें, अपने सिस्टम पे भरोसा रखें, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखें। देखना आप कुछ टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, कोई नो ईगो, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेंट। अगर आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ लेते हैं, कामयाब होते हैं, तो उसकी जो उसका जो रिवॉर्ड जाता है आपके अपलाइन को और आप भगवान को जाता है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर फेल होते हैं ना, उसका 100% रिवॉर्ड आपके पास जाता, आपको जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप इस मेथड के साथ इस चीज को अपने अंदर बिठा लेते हैं ना, आपने बढ़ाई, आपकी जो ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। ये समझ में आ रही है? अगर अपने कामयाबी के जिम्मेदार अपने अपलाइन और भगवान को डाल देते हैं ना, जिंदगी में कभी आपके अंदर ईगो नहीं आएगी। ठीक है, अगर अपने नाकामयाबी का सारा का सारा दोस्त अपने आप को देते हैं ना, तो आप नेक्स्ट डे अपने आप को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जब आपकी इंप्रूवमेंट होगी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। कभी ईगो नहीं रखनी, कभी एक्सक्यूज नहीं देना, कभी कंप्लेंट नहीं देना। ठीक है, मेरे से ये प्रॉब्लम थी इस करके नहीं हुआ। ठीक है, मेरी तो टांग खराब थी, मैं तो सोया नहीं, मेरे ये प्रॉब्लम थी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुई, इस करके आज मैं कर नहीं पाया। एक्सक्यूज देने वाले कभी विनर नहीं बनते, कामयाब नहीं बनते। ठीक है, और ईगो रखने वाले कभी टॉप पे नहीं पहुंचते। अगर आपको टॉप पे पहुंचने, टॉप 10 की लिस्ट में आना है ना, तो अपने आप को इन तीन चीजों से बचा के रखना पड़ेगा। आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ही रहती है अपने अप्लाइन को लेकर, अपने सीनियर्स को लेकर। ठीक है डियर, उसी अप्लाइन के जरिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। ठीक है, उसी अपलाइन के साथ रह के आज लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। तो भगवान ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है ना, वो सोच समझ के दिया है। ठीक है, तो आज जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन हो ना, उसी पर्सन के साथ आपके आगे ग्रोथ लिखी है, करोड़ों रुपए के चेक लिखे, लाखों रुपए के चेक लिखे, आपकी जिंदगी बदलने लिखी हुई है। मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, आगे जिंदगी ऑटोमेटिक बदलती चली जाएगी। हमेशा क्रिएटिव रहें। ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, नए आइडियाज प्रोड्यूस करें। ठीक है, उस आइडियाज को अपने अपलाइन के साथ शेयर करें। अगर आइडिया अच्छा लगेगा उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करें, एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हमेशा लीडर की तरह परफॉर्म करें, ना कि बॉस की तरह। ठीक है, लीडर हमेशा क्या होता है, अपनी पूरी टीम को लेके चलता है। बॉस का क्या काम होता है, ऑर्डर देने का काम होता है। लीडर का काम क्या होता है, पहले करके दिखाने का काम होता है। ठीक है, बॉस का क्या काम होता है, हमेशा ऑर्डर देने का काम होता है। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, लीडर की तरह बने, जो भी अपनी टीम के साथ अचीव कराना चाहते हैं, तो पहले आप अचीव करके दिखाएं, आपकी टीम ऑटोमेटिक करना स्टार्ट करे। आप इनविटेशन कराना चाहते हैं अपनी टीम को, पहले आप इनविटेशन करके दिखाएं, आपकी टीम ऑटोमेटिक करेगी। आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो अपनी टीम को मैनेजर बनाना चाहते हैं, पहले आप मैनेजर बन के दिखाएं, आपकी टीम ऑटोमेटिक मैनेजर बनेगी। ठीक है, आप सुपरवाइजर बन के दिखाएं, आपकी टीम ऑटोमेटिक सुपरवाइजर। आप असिस्टेंट मैनेजर बन के दिखाएं, आपकी टीम ऑटोमेटिक असिस्टेंट मैनेजर बनेगी। एक गुड लीडर बनके दिखाएं, आपके टीम के अंदर सारे के सारे लीडर अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप बॉस बनके दिखाएंगे, सिर्फ सिखाएंगे, तो आपकी टीम कभी फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, एक गुड लीडर की तरह आके आए, एक गुड लीडर की तरह मेहनत करें, डेफिनेटली आगे ग्रोथ होती चली जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? आगे आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आप सभी को। ठीक है, सो आगे कुछ एक रूल्स बता देता हूँ आपको इस बिजनेस के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें,
एंड क्रॉस लाइन से बच के रहे, ठीक है। अगर क्रॉस लाइन के साथ अगर आपका टाई अप आपका लिंक है तो आप स्टार्टिंग में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कंपनी मिलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ खत्म हो जाए, हो सकता है बिजनेस में आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। दोस्ती रखनी अपने अपलाइन से सिर्फ, ठीक है। और अपलाइन को सर या मैम और डाउन लाइन को जी करके बात करने, देखना आप रिस्पेक्टली बात करें अपने डाउन लाइन से, अपने अपलाइन से, चाहे आपकी डाउन लाइन चाहे आपके अपलाइन। दोस्ती क्यों ना हो, दोस्ती इसके पहले थी, फॉरएवर में आने से पहले, बिजनेस में आने से पहले। अब आप सिर्फ अपलाइन डाउनलाइन है, और अपलाइन डाउनलाइन की तरह काम करोगे तो देखना आने वाले टाइम में ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ तो फिक्स है, ठीक है, क्लियर है। एंड आगे जो अपना प्रेजेंटेशन का टाइम है 2 PM और 6 PM है, एंड डे वन का जो सेशन होगा 7 PM को होगा, डे टू का जो सेशन होगा आपको 4 PM को होगा, डे थ्री का जो सेशन होगा 3 PM को होगा। एंड 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने टेस्ट मतलब कि टेस्ट करवाना अपने पार्टनर्स का, अपने सीनियर्स के साथ, अपने सुपरवाइजर अपने मैनेजर के साथ मिलके। उसके बाद 5 PM अपना AS प्लान होता है, और AS प्लान करा के उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करा के डन करा के आके आप कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ओके डियर, ओके, मोस्ट वेलकम डियर। सो आज आगे बातें बहुत सारी हैं, आगे प्लानिंग बहुत सारी हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हाफ एन आवर का टाइम रह गया। तो हमारे बीच एक होल लीडर है मिस्टर प्रदीप जी, आई थिंक ट्रेनिंग के अंदर आ चुके हैं। आगे आपको 19 डेज के अंदर आपको कैसे मैनेजर बनना है, किस तरीके से आप 0 से 1 लाख रुपए की इनकम को अचीव करेंगे, 90 दिनों के अंदर 120 CC का बिजनेस कैसे हिट करना है, वो चीजें आपको सिखाएंगे, और कुछ बातें सिखाएंगे जिससे आपके आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत कम टाइम के अंदर ग्रोथ लेंगे। और जिस तरीके से वो बातें आपको सिखाएंगे कि जो जिन बातों से आज इस सिस्टम के अंदर 6 सालों के अंदर नियर 1.5 करोड़ के एसेट्स कैसे तैयार करें, इन 6 सालों के अंदर उन्होंने अपनी टीम के अंदर इतने सारे मैनेजर कैसे बनाए, किस तरीके से उन्होंने मतलब आज कौन से रूल्स कौन से तौर तरीके अपनी टीम के अंदर सिखाएं, कौन सी बातें सिखाएं जिसकी वजह से उन लोगों की ग्रोथ हुई है, आपको सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो प्रदीप जी सेशन के अंदर आ चुके हैं। सो अगर प्रदीप जी, अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है प्लीज माइक अनम्यूट करके आ गए हैं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? जी डियर, बिल्कुल आपकी प्रॉपर वॉइस आ रही है। सो टीम सर आ चुके हैं, सो एक्साइटमेंट के साथ आगे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करें, एंड डायरी पेन के साथ अटेंड करिएगा, एंड उस डायरी पेन को अटेंड डायरी पेन पे जो चीजें लिखी होगी अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करिएगा। मैं डैम श्योर कर रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप सभी की लाइफ चेंज होगी। ओके डियर, डू योर बेस्ट, सो कंटिन्यू करें, ठीक है। उसके बाद आगे मैं सर, थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एंड आपने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो फॉलो करनी सिस्टम के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर ग्रोथ उसी को मिलती है जिसको 2 चीजें पता हो, पहली चीज की क्या करना है और दूसरी चीज की क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें क्लियर नहीं होंगी किसी भी फील्ड के अंदर हम ग्रोथ लेने से हमेशा पीछे रहते हैं। हमें ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीजें करनी है, पर उसके साथ हम वो चीजें भी करते रहे जो नहीं करने वाली हैं, तो हमारी ग्रोथ हमेशा पीछे रह जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जितने हमारे बीच न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, एक बार चैट बॉक्स में टाइप 1 करें जितने हमारे बीच न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने भी लास्ट मंथ ही अपना 2 CC लेवल कंप्लीट किया फरवरी 2023 के अंदर। ओके, सो काफी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ग्रेट। सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ठीक है, आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। पर ये बेस्ट डिसीजन जब ही होगा जब आपने जो ड्रीम लेके डिसीजन लिया है उसको जब आप पूरा करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा डियर, देखो सपने कभी भी एक दिन में पूरे नहीं होते, ना लाइफ एक दिन में कभी चेंज होती है। इस दुनिया में जिस भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखते हैं उस सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कई सालों का स्ट्रगल होता है, ठीक है, चाहे किसी को भी उठा लो। अभी पीछे लास्ट ईयर कुछ नीरज चोपड़ा नाम के एक हरियाणा से लड़का है जिसने
इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है ना ओलंपिक्स के अंदर, उन्होंने भी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अब लोगों को उसका गोल्ड मेडल दिखता है, पर उस गोल्ड मेडल को अचीव करने के लिए जो सालों उसने मेहनत करी है वो किसी को नहीं दिखती। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लोगों की सक्सेस पे नहीं फोकस करना, हमें लोगों के स्ट्रगल पे फोकस करना है कि उन्होंने उन चीजों को पाने के लिए क्या क्या चीजें करी। जैसे सर ने आपको ट्रेनिंग दी, एथिक्स के बारे में बताया, रूल ऑफ बिजनेस बताया है ना, वो चीजें फॉलो की गई हैं, तभी जाके आज सर उस लेवल तक पहुंचे हैं, तभी जाके मेरे को जब उन्होंने वो चीजें सिखाई, मैंने उनको इंप्लीमेंट किया तो मैं आगे पहुंचा। एक बार ना एक शिकारी था, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या चीज सफल बनाएगी, ध्यान से सुनिएगा, क्यों बहुत सारे लोग अच्छी फील्ड में आके भी फेलियर रह जाते हैं, कारण क्या है? फॉरएवर में ही बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने शुरुआत तो करी बट फेलियर रहे, ठीक है, क्विट कर दिया, बीच में छोड़ दिया। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, क्यों लोग पीछे रह जाते किसी फील्ड में। एक शिकारी था, वो शिकार करता था, वो पैरेट पकड़ता था, तोते पकड़ता था वो जंगल से, और उनको बेच के अपना घर का खर्चा चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो एक भी तोता नहीं पकड़ पाया, वो जाल बिछाता था, दो भी तोते पकड़ में आते थे, खाना फेंकता था और उनको पकड़ के बेच देता था शहर जाके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक भी तोता नहीं पकड़ा, तो बड़ी टेंशन में था वो कि आज घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, आज कैसे रोटी चलेगी। तो वो एक आश्रम के बाहर बैठ गया, उस आश्रम से गुरुजी आए, उन्होंने देखा एक शख्स बाहर बैठा है, वो बहुत रो रहा है, उसने उससे पूछा भी क्या दिक्कत है, कहता मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मैं तोता पकड़ता हूँ और उसे बेच के पैसा कमाता हूँ, उससे घर चलाता हूँ, आज एक भी तोता नहीं पकड़ा, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, आज मेरे माँ बाप क्या खाएंगे। तो उसने बोला बस यही प्रॉब्लम है, मैं कुछ पैसे तेरे को देता हूँ, उसने कुछ पैसे उसको दे दिए और उसे बोला अगली बार तू कोई भी तोता पकड़ेगा तो मेरे को बेच दियो। उसने बोला ठीक है। अगले दिन उसने एक तोता पकड़ा, अगले दिन एक तोता पकड़ा गया, उसने वो उस गुरु को दे दिया, वो गुरु उसको ले गया, ठीक है, और उस तोते को उसने सिखाया, उसने उस तोते को करीब एक हफ्ता, 10 दिन या एक महीना सिखाया। क्या सिखाया? एक चीज बोलना, और वो दूसरों को भी वो चीज सिखा सके। वो चीज क्या थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खाना फेंकेगा और पकड़ के ले जाएगा, ये चीज सिखा दी तोते को, और उस तोते को छोड़ दिया। वो अपने घर गया, उसने सारे तोतों को ये बात बोल दी, अब सारे तोते यही बात बोलते। जब वो शिकारी आया ना उस दिन, अगले दिन, तो सारे तोते बोल रहे हैं शिकारी आएगा, क्या बोले, शिकारी आएगा, ठीक है, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हमें पकड़ के ले जाएगा। अब वो बड़ा हैरान हो गया शिकारी की, सारे बोल रहे हैं, तो पता लग गया मैं कैसे शिकार कर पाऊं, तो कोई भी नहीं आएगा। तो उस दिन वो बैठा रहा, एक भी तोता नहीं पकड़ा गया, वो फिर आश्रम के बाहर जाके रोने लगा। फिर से गुरुजी आए, तो उन्हें बोला क्या हुआ, कहते सारे तोतों को पता लग गया कि मैं उन्हें पकड़ने आता हूं, सारे पैरेट्स को पता लग गया। तो बोला फिकर मत कर, तो कल फिर जाइयो, फिकर मत कर, टेंशन ना ले जाइयो। उसको मोटिवेट किया, उसे कुछ पैसा दिया कि आज की रोटी चला ले, कोई ना पकड़े जाएंगे, फिकर मत कर, हौसला ना हार। अगले दिन वो फिर गया, और अगले दिन क्या हुआ, उसने जाल बिछाया, सारे तोते बोल रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खाना फेंकेगा और पकड़ के ले जाएगा, ठीक है, और जाल में नहीं फंसना। काफी देर वो बैठा रहा, देखता रहा, तब एक तोता उड़ के आया, खाने को देख के बैठ गया, और बैठा बैठा बोल रहा शिकारी आएगा, खाना डालेगा, जाल फेंकेगा और पकड़ के ले जाएगा, और से देख के बाकी सारे तोते भी आ गए, और उस दिन उसने सबसे ज्यादा तोते पकड़े। अब वो तोते को बेचने गुरुजी के पास गए, उसने सारे तोते बेच दिए। अब गुरुजी का ना एक चेला था, गुरुजी के चेले ने एक सवाल किया गुरुजी से, फिर गुरुजी कैसे तोते हैं, इनको सबको सिखा भी दिया, बता भी दिया, फिर भी ये पकड़े गए, ठीक है। तो वहां से गुरुजी ने एक सीख दी, कहते फर्क पता क्या था कि इन्होंने जान तो लिया था कि शिकारी आएगा, ठीक है, दाना फेंकेगा और जाल में पकड़ के ले जाएगा, पर इन्होंने इस चीज को जानना पर मानना नहीं। क्या करा इन्होंने, इस चीज को जानना कि ऐसा होगा, पर इन्होंने इस चीज को मानना नहीं, इस पे इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए ये पकड़े गए। उसी तरीके से खाली जानने से कुछ भी होगा, हाँ भाई सुबह जिम करने से, एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है, अच्छा फ्रूट खाने से, अच्छा खाना खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, ये जानने से क्या हेल्थ अच्छी हो जाएगी? चैट बॉक्स में बताइए फास्ट, यस और नो, क्या इतना जानने से क्या हेल्थ अच्छी हो जाएगी? नहीं होएगी ना।
जब आप इस चीज को करना स्टार्ट करेंगे तब वो चीज होगी। जब आप करना स्टार्ट करेंगे क्या एक दिन में हो जाएगी? क्या एक दिन में हो जाएगी? नहीं होगी ना, टाइम लगेगा ना। करते रहने से एक दिन होगी, करते करने से नहीं होगी, करते रहने से वो चीज होगी जो आप कर पाना चाहते हैं। अब आप इस बिजनेस में आए हैं, मैं आपको पहली एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आप इसको कोई लॉटरी सिस्टम मत समझना कि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया कोई मेरे को लाखों रुपया आने लगा। डेफिनेटली आपको लाखों रुपया आएगा, करोड़ों भी आएगा, बट कब? जब आप रात दिन एक होके मेहनत भी करोगे, टाइम दोगे, एफर्ट करोगे, रिजेक्शन आएंगी, फेलियर आएंगी। हो सकता है आप पहले महीने काम किया उस लेवल के रिजल्ट आपको नहीं मिले, दूसरे महीने मिले, तीसरे महीने मिले, पर हो सकता है चौथे महीने मिले। अब कई लोग होते हैं पहले तीन महीने में ही नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो आप कोई शोरूम भी खोल लो 30 करोड़ लगा के, एक दिन में वो शोरूम चलना स्टार्ट नहीं होगा। अभी आपने कभी बिजनेस नहीं किया, अभी आपको किससे बात करनी नहीं आती, फर्स्ट ईयर लर्निंग पीरियड होता है इस बिजनेस के अंदर। स्किल्स डेवलप करने में 1 साल लगेगा आपको, पर उस 1 साल के अंदर ही गिर पड़ के चलते चलते आप मैनेजर भी बन जाओगे। आपको यहाँ पे जल्दी मैनेजर बनने के पीछे नहीं भागना, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनने के पीछे भागना है, क्योंकि आपको लाख रुपए कमाना है या कमाते रहना है। अगर आप चाहते हो आप लाख रुपए कमाते रहो और एक टाइम ऐसा है बिना मेहनत करे भी आपको पैसा आए, तो आपको मैनेजर बनाने वाला लीडर बनना है, या मैनेजर नहीं बनना, आपको एक लीडर बनना है। लीडर कौन होता है? जो दूसरों को आगे बढ़ाने का दम रखता है। यू हैव टू बिकम लीडर। और आपको मैं बता देता हूं, देखो बिजनेस एन ग्राफ पे चलता है, एन ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है। पहले साल आपने कोई पैसे पे फोकस नहीं करना, मैं आपको पहली बता दूं। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो तो ये माइंडसेट डेवलप कर लेना। मैंने शुरू किया था, मैंने टारगेट रखा 1 साल में 1 लाख की इनकम तक पहुंचूंगा, तब ये नहीं देखा मेरे को इनकम आए या ना आए, मेरे को सिर्फ काम करना है। पहले साल आपको बिजनेस बिल्ड करने में लगेगा, स्किल सीखने में लग जाएगा, डेवलपमेंट करने में लग जाएगा खुद की। पहले साल की मेहनत आपकी इतनी होगी, शायद रिवॉर्ड आपका इतना सा होगा, मतलब मेहनत इतनी होगी, रिवॉर्ड इतना सा होगा। पर अगले साल मेहनत जितनी होगी रिवॉर्ड उतना होगा, पर जब तीसरा साल आपका आएगा तब सिर्फ मेहनत इतनी सी रह जाएगी और रिवॉर्ड आपको इतना सारा आएगा। आज अगर मैं बात करूं, पहले मेरे को 18 घंटे एक दिन में देता था, मैं 15-15 घंटे काम करता था, ठीक है, फर्स्ट ईयर। और आज अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूरा महीना भी काम नहीं करता तब भी मेरे को लाखों रुपए में इनकम आती है मंथ की, ठीक है। ये 3 साल का प्रोसेस है, 3 साल डिग्री में लगाते हो उसी तरीके डिग्री की। अब डिग्री में जब आप जाते हो आप पैसे मांगते हो, बोलते हो महीना हो गया मेरे को कॉलेज आते हो पैसे दो सैलरी दो, नहीं डियर आप करियर बनाने जाते हो। आपका भी इस बिजनेस में फोकस अगर पैसे पे होगा देन आप कभी ग्रोथ नहीं ले पाओगे, आपके लिए नौकरी बनी है। आपका फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए। और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है आपको नेक्स्ट लेवल पे फोकस करना है, इसके अलावा पैसे पे फोकस नहीं। सिर्फ क्या है, अब नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा? हमारे 4 लेवल्स होते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकेंड लेवल सुपरवाइजर, थर्ड लेवल असिस्टेंट मैनेजर, एंड फोर्थ लेवल हमारा जो होता है मैनेजर, जहां पे हम अपने ड्रीम लेवल बोलते हैं स्कोर, यहाँ पे हम 1 लाख करोड़ इनकम कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको जो है ना वो लाख रुपए पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है मैनेजर बनने के ऊपर। अब मैनेजर कैसे बना जाएगा? जब आप 120 सीसी का बिजनेस करोगे 2 महीने के कॉम्बिनेशन में, किसी भी 2 मंथ्स के कॉम्बिनेशन में जब आप 120 सीसी का बिजनेस कर दोगे आप बन जाओगे मैनेजर। पर मैनेजर बनने से पहले आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा 75 सीसी, उससे पहले सुपरवाइजर बनना पड़ेगा 25 सीसी, और उससे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा 2 सीसी। 2 सीसी तो हो गया आपका, ये इकलौता लेवल होता है जो सेल्फ करना होता है, ये एक एडमिशन है। मेन पढ़ाई तो अब स्टार्ट होगी आपकी, मेन अब जर्नी तो अब स्टार्ट होगी आपकी मैनेजर तक की, जिसमें आपको कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, ठीक है, रिजेक्शन भी आएंगी, बट वो टेम्परेरी है, नॉट परमानेंट। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस है ना वो इस पे होना चाहिए। हम अगर इसको अचीव करेंगे पैसा तो अपने आप आएगा आपको, फ्रेज में 1 रुपए का भी चेक नहीं रुकता। 15 तारीख है तो 15 है, 1 रुपए का काम क्यों, 1 रुपया भी आएगा, 1 करोड़ का क्यों, 1 करोड़ भी आएगा, क्लियर है। अब 25 सीसी कैसे होगा, 75 कैसे होगा, 120 सीसी कैसे होगा,
पहला लेवल होता है जो सेल्फ करना होता है, बाकी के जितने भी लेवल है ये सारे टीम वर्क के साथ होते हैं। किसके साथ? टीम वर्क के साथ। अब आपको वो काम करना है जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? क्रिएटिंग नेटवर्क। अमीर लोग नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क के साथ काम करते हैं, गरीब लोग अकेले काम करते हैं। किसी को भी उठा लेना गरीब इंसान को, वो अकेला काम करता मिलेगा। अकेले आप एक्टिव इनकम कमा सकते हो, पर अगर आपको, आप लाखों कमा लोगे पर अगर आपको करोड़ों अरबों में कमाना है, यू नीड अ नेटवर्क। जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं वो अकेले काम नहीं करते, उनके पास एक नेटवर्क होता है, एक मैन पावर होती है जो उनके साथ काम करती है। वो पर करोड़ों रुपया लगाने के बाद कर पाते हैं चीज, फॉरएवर में सिर्फ 2 CC करने के बाद हम अपनी मैन पावर क्रिएट कर पाते हैं। अब मैन पावर क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जैसे एक शोरूम का मालिक क्या करता है, नौकरी पे रख लेता है 10 लोगों को सैलरी पे, फिक्स सैलरी पे। वो 10 लोगों की मैन पावर उसने बिल्ड कर ली, किस पे? सैलरी पे। पर उसमें सिर्फ शोरूम वाले की ग्रोथ होगी, जिसने शोरूम खड़ा किया सिर्फ उसकी ग्रोथ है, क्योंकि ओनर वो है, वो तो नौकरी कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? पार्टनरशिप देके बिजनेस की, बिजनेस पार्टनरशिप देके कि जितना मेहनत करेगा तू भी सेम कमाएगा, मैं भी सेम कमाऊंगा। अब ये वाली मैन पावर क्रिएट करते हैं बड़े लोग, जैसे पतंजलि लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है। आपको प्रोडक्ट लेना है, पतंजलि के पास नहीं जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे। वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपका काम भी बाकी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना। ये जो 25 CC है ये आपको टीम के साथ करना है। कैसे होगा ये ध्यान से समझिएगा। आप अभी अकेले हो, आपने 2 CC बिजनेस किया। अब फॉरएवर हमें 2 मंथ का कॉम्बिनेशन, अब ध्यान से समझ लेना, 2 मंथ का टाइम देते हैं किसी भी लेवल को कंप्लीट करने में। मतलब जरूरी नहीं है कि हमें एक ही मंथ में 25 CC करना है। अगर हम हाफ ऑफ करके भी करें, जैसे इस मंथ 10 CC कर दिया, अगले महीने 15 CC करें, तो 10 + 15 = 25 CC हो गया और लेवल कंप्लीट। अब जब तीसरा महीना आएगा, तीसरे महीने में आपके ये मंथ के सीसी काउंट नहीं होंगे, आपके लास्ट मंथ के सीसी काउंट होंगे। लेवल परमानेंट होता है, सीसी परमानेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट मंथ के सीसी ही काउंट होते हैं, मतलब 2 मंथ के कॉम्बिनेशन से हम लेवल को अचीव कर पाते हैं। अब आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? आपको टारगेट बनाना है, एक अपने आप को एक टारगेट देना। जब तक आप अपने खुद को टारगेट नहीं दोगे, एक रोड मैप नहीं बनाओगे खुद का। अब देखो, हम घर से जब निकलते हैं किसी जगह पे, हम प्रॉपर अपने आपके माइंड में एक रोड मैप बना के निकलते हैं कि भाई अब जैसे आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, जिस भी स्टेट से, फॉर एग्जांपल उस स्टेट से आपको दिल्ली आना है या चंडीगढ़ आना है, आपको प्रॉपर पता होगा इस टाइम तक मेरे को पहुंचना है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कल शाम तक आपको 5 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके लिए जरूरी है, आप अगर कामयाब होना चाहते हो, आप प्लानिंग करोगे कि हाँ मैं इतने बजे निकलूंगा, मैंने बस में जाना है या किस में जाना है, प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे। प्लानिंग ही नहीं बनाओगे, आप निकल गए, बस में बैठ गए, बस वाला बोले कहाँ की टिकट कटाऊं काटूं, आप बोलो कहीं की भी काट दो, आप चुप रहो, आप बताओ ही मत, वो कहीं की भी नहीं काटेगा, वो आपको उतार देगा, भाई रहन दे उतर जा तू। ट्रेन की टिकट कराने जाओगे तो वो पूछेगा कहाँ की काटूं। इसलिए टारगेट देना जरूरी है। 3% लोग इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को टारगेट देते हैं, वो अपने गोल सेट करते हैं। तो आपको अभी इस मंथ का गोल बनाना है, एक एक मंथ का गोल बनाना है आपको, 1 मंथ का गोल। 1 मंथ का गोल कैसे बनाना है? जैसे आपने, आज 1 मार्च हो गया है, आपने 25 मार्च तक आपको कितने सीसी का बिजनेस करना है, 25 मार्च तक आज आपको एक चार्ट लेना है, और वो टारगेट हमेशा आपके नजरों के सामने होना चाहिए। आपको एक चार्ट लेना है, थोड़ा सा मूर्ख बनना है दुनिया की नजर में, मैं भी बना था। उस चार्ट के ऊपर लिखना है 25 मार्च तक मैं 10 CC डन कर दूंगा। कितने? 10 CC, 10 CC मैं कंप्लीट कर दूंगा। कितने? 10 CC करना आपको, सिर्फ 10 CC, सिर्फ इसके अलावा आपने किसी चीज पे फोकस नहीं करना। अब ये 10 CC कैसे होगा? ये 10 CC होगा, कम से कम आपको अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है, कम से कम 10 लोगों को। अब वो 10 लोग नॉन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। पहले आपको अपनी नॉन की लिस्ट को कवर करना है, पहले आपको अपने नॉन कवर करने हैं, जितने को भी आप जानते हो। क्यों? बेशक वो नेगेटिव हो जाए, ये नहीं सोचना वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। आपका काम किसी को करवाने का नहीं है, आपका मेन मोटिव है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, वो सामने वाले की चॉइस है। आप किसी को भी प्री जज नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। आपका काम दिखाने का है, समझाने का है, कंसल्ट करने का है।
ठीक है, अगर आपके दोस्त ने शुरू करा होता वो भी आपको शेयर करता, ये ना सोचता करेगा नहीं करेगा, ये अलग चीज है। आपका फर्स्ट काम क्या है, शेयर द बिजनेस, बस ये काम है। देन आफ्टर सेकंड काम एक्सप्लेन द बिजनेस, कंसल्ट, सामने वाले को कंसल्ट करना है, सामने वाले को समझाना है, उसके बाद अंडरस्टैंड कराना है, पहले शेयर करना है। शेयर कैसे करना है, देखो हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता। आप एक भीड़ में खड़े हो कि सोचो कौन कौन पैसा कमाना चाहता है, अच्छा पैसा कमाना चाहता है, कौन कौन ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कौन कौन अपने सपने पूरे करना चाहता है, 100 के 100 लोग हाथ खड़ा करेंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो आप अपने फ्रेंड को बोलो क्या भाई ऑनलाइन इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है, वो बोलेगा कैसे, क्या भाई 10-20 हजार कमाना है ऑनलाइन इंस्टाग्राम से, सिंपल ये चीज पूछो। ठीक है, आप ये चीज पूछेंगे आपको रिप्लाई आएगा कैसे, क्या भाई मेरी बात सुन, जूम ऐप इंस्टॉल कर, मैं एक वेबिनार लिंक दूंगा तेरे को, तूने वो आधे घंटे का वेबिनार लगाना है जिसके अंदर एक बहुत अच्छा, मैंने भी स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी ग्रोथ है उसके, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तेरे को शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। आधा घंटा तेरे को निकालना पड़ेगा समझने के लिए, अगर निकाल सकता है तो बताओ। पहले उसको लो मैं काम किया, क्या भाई देख आधा घंटा निकालना पड़ेगा, निकाल सकता है तो बताऊं, अदरवाइज रहन दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना नहीं शुरू करना। कई लोग क्या करते हैं, खुद ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं। वो एक बार दो दोस्त थे चिंटू और मिंटू, क्या हुआ कि उन्होंने मुंबई जाना था दिल्ली से, दोनों ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में खचाखच भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी, बैठने की भी जगह नहीं थी। मिंटू बोला टेंशन ना ले चिंटू, आपा सो के जाएंगे आराम से, लेटकर सो के, दरकड़ने की जगह नहीं है, लेटेंगे कहाँ, कहता फिक्र ना कर। उसने ना चीख लगाई, कहते अभी अभी डब्बे में काला सांप घुसा है। क्या बोला, डब्बे में काला सांप घुस गया, काला सांप घुस गया। उन्हें क्या करा, एक बंदे ने जंजीर खींच दी, जंजीर रुकते ही सारे भाग गए डब्बे में से निकल के, वो दोनों रह गए। अब दोनों देखा ट्रेन खाली, सो गए दोनों, सो गए और उठे 7-8 घंटे बाद, उन्हें लगा शायद हम बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। वो उठे, उन्होंने देखा दरवाजे बंद पड़े हैं ट्रेन के डब्बे के, वो उठे उन्होंने दरवाजा खोला, वहां पे चाय बेचने वाले, तो उसने बोला भैया हम कहां पहुंच गए, कहते हम तो दिल्ली में ही है, कहते दिल्ली में है कैसे, कहते इस बोगी में ना सांप घुस गया था तो इस डब्बे को यहीं छोड़ दिया, सारी ट्रेन निकल गई। ये जड़े ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना उन लोगों के साथ ऐसे होता है जड़े सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जिनका जिनका दिमाग ना घुटनों में, ओवर स्मार्टनेस तो कूट कूट के भरी है इनके अंदर, और ये लोग किसी का नुकसान नहीं करते, अपना ही करते। तो भैया ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, पीपीटी लगवाओ, उसे बोल तेरे को समझना है तो आधा घंटा निकालना पड़ेगा, ये कोई रात चलता काम नहीं है कि तेरे को मैं फोन पे एक्सप्लेन कर दूं। अगर 2-3 घंटे तू मूवी देखने के लिए निकाल सकता है, अपनी जिंदगी के लिए नहीं निकाल सकता, सिंपल पूछो, मेरी बात नोट डाउन कर लो डायरी के अंदर, ये जो बातें बता रहा हूं ना लिख लो इसको, ये बातें बोलनी है आपको, तभी रिजल्ट आएगा, फिर नहीं आएगा, तभी आएंगे 6 लाख, जब आएगी मर्सिडीज तभी आएगा घर, जो बातें बोल रहा हूं इसको कॉपी कर लेना। हमने भी कॉपी करा, सीनियरों को उनकी बातें ही कॉपी करी हैं, आपका फ्रेंड भी आपकी बातों से इंप्रेस होएगा कि हाँ यार बंदे में चेंज है भाई, आपसे फॉरएवर के साथ बिजनेस नहीं करता कोई, पीपल टू पीपल ज्वाइन कर, ये पीपल टू पीपल ज्वाइन का बिजनेस है, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में, कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं करता। क्लियर हो रहा है? तो आपको बेस्ट बनना है, आपको कम से कम अपनी 10 लैग्स क्रिएट करनी है 15 मार्च तक, 15 मार्च तक आपको कम से कम अपनी 10 स्पॉन्सरिंग कंप्लीट कर लेनी है। लिख देना चार्ट के अंदर कि 15 मार्च तक मैं अपनी 10 स्पॉन्सरिंग कंप्लीट कर लूंगा। क्लियर हो रहा है? डायरी में भी लिखना है उसको, चार्ट में भी लिखना है, तभी जाके आइडियाज आएंगे। डियर जब हमें ये पता होता है ना मैं जाना कहाँ है, तो दिमाग भी आइडियाज वैसे ही प्रोड्यूस करता है, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, हमें टारगेट ही नहीं बनाया। आपको सिर्फ आपने 10 ज्वाइनिंग कराई, हमें पता है 10 में से 50% लोग ऐसे होंगे जो 2 सीसी का प्लान सुन के मना कर देंगे, जो ऐसे होंगे बोलेंगे यार मेरे से पैसे नहीं हो रहे,
जो ना कर जाएंगे पैसे, वो फ्यूचर नहीं देखेंगे अपना, वो शौक पे 50-50 हज़ार पे खर्च सकते हैं, फोन ले सकते हैं, वो एक्टिवा टू व्हीलर ले सकते हैं लाख लाख रुपए की, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मूवियां दिखा सकते हैं, अपने बर्थडे पे 10-10 हज़ार रुपया खर्च सकते हैं, दारू पिला सकते हैं दोस्तों को, पर इन लोगों के अपने करियर के लिए पैसे नहीं होते और ये लोग हमें चाहिए भी नहीं है, तो छटेंगे। 25 मार्च तक 5 लोग हटा देने हैं, 5 हमारे पास जेन्युइन लोग होने चाहिए और इन 5ों के साथ ही हमें अंपायर खड़ा करना है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पर आपने ज्यादा लोग लेके चलने, मिनिमम 10 तो ज्वाइनिंग करवानी करवानी है, 10 लोग तो प्रॉपर एक्टिव करने हैं 15 मार्च के अंदर अंदर। अब इनको चलाना कैसे, देखो टीम बनानी और चलाने में बहुत फर्क है, चलेगी कैसे टीम, अब मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं क्या सिस्टम फॉलो करना है। ट्रेन पटरियों पे चलेगी भाई, रोड पे नहीं चलेगी। उसी तरीके बिजनेस भी सिस्टम पे चलता है, जो सिस्टम को फॉलो करेगा उसका काम तो निकलेगा, जो पड़ा दिमाग चलाएगा आलसी होगा, लेजी होगा, वो बंदा कीचड़ में ही रहेगा पूरी जिंदगी, कभी भी कमल के रूप में आगे नहीं आएगा, उसकी जिंदगी झंड ही रहेगी। और जो बंदे ने फॉलो कर लिया उसकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, ये एक साल उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर होगा, अगले साल उस बंदे की इनकम लाखों में होगी, उसके खानदान में कोई उसकी उम्र का बंदा इतना पैसा नहीं कमा रहा होगा। हो आप चाहते हो उसमें से हो तो आंखें बंद करके ना सारी चीजें छोड़ो, पहले तो 5 चीजें बताऊंगा छोड़ने वाली, पहले अपने टॉक्सिक फ्रेंड छोड़ दो, जिनके साथ उठते बैठते थे वो छोड़ना पड़ेगा, लिख लो डायरी में, नहीं छोड़ोगे तो आज ये बिजनेस छोड़ दो। अगर आप छोड़ सकते हो अपने फ्रेंडों को तभी, मतलब फ्रेंडों के साथ उठना बैठना छोड़ना है, फ्रेंडशिप नहीं छोड़नी, उनको छोड़ दो जो साथ नहीं आएंगे उनके, जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे टाइम पास करते थे उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो। दूसरा, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बाबू छोना ठोना पोना इन चक्करों में हो तो इसको छोड़ दो, पहली बता दूं मैं। तीसरा, फालतू फंड की टीवी देखना, इंस्टाग्राम पे रील देखना, ये चीजें छोड़ दो। चौथा, गाने सुन के टाइम वेस्ट करना अपना। पांचवा, ये शादी ब्याह पार्टियां शाटियां, आपके जाने से किसकी शादी नहीं रुकेगी, ना आने से रुकनी ना रुकने से रुकनी है। त्योहार होली पोली अब आने वाली है ना, होली कहीं तो तैयारी में बैठे होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई जिंदगी भर होली खेलनी है, कामयाब हो जो पहले, क्लियर हो रहा है? जिंदगी भर दिवाली दिवाली है, फिर हर रोज दिवाली है, जे कामयाब हो तो। किस किस को मेरी बात अंडरस्टैंड हुई, ये 5 चीजें ऑल क्लियर लिखे चैट में। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? अरे भाई जिंदा होगी मर के, चैट बॉक्स भी चला लिया करो, मरे हुए लोगों को मैं भी क्या सिखाऊंगा, मैं भी फिर रिमूव करता हूं, अभी एंड ही करता हूं मीटिंग। एक्टिव रहो, ये जिंदा लोगों का बिजनेस है, मरे हुए लोगों का बिजनेस नहीं है। तो 5 चीजें मैंने आपको बताई, फ्रेंड सर्कल, फालतू फंड का टाइम वेस्ट करना फ्रेंडों के साथ छोड़ दो, सॉन्ग्स, टीवी, रील्स, जहां जहां आपका टाइम वेस्ट होता है छोड़ दो, बाबू शोना पोना टोना ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है? शादी ब्याह पार्टियां शाटियां ड्रॉप, क्लियर हो रहा है? ये 4 ही चीजें इनको छोड़ दो, आपके पास आपका कीमती टाइम बचेगा, उसको अपने टारगेट पे लगाओ, काम पे लगाओ। हर बंदे को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है चाहे वो अरबपति खरबपति है, इन 24 घंटे को आप कहाँ लगा रहे हो? पुअर बंदा अपने टाइम को स्पेंड करता है, अमीर इंसान अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है। स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग, आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने 1000 रुपए का क्या करा, पार्टी कर ली, मूवी देखा है, पॉपकॉर्न खा लिए, 1 भी रुपया कमाया उस पैसे से, 1 भी रुपया आएगा आपको रिटर्न? कुछ भी नहीं आएगा, आपने स्पेंड करा वो पैसा। उन्हीं 1000 रुपए को एक अच्छे स्टॉक में लगा दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी बिजनेस में लगा दिया, वो 1000 रुपए 2000 के रूप में मिल सकते हैं आपको, 1000 रुपए 10000 के रूप में मिल सकते, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया। वैसे ही टाइम है, आप स्पेंड करोगे, गाने सुनोगे, आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, निकल रहा है, वो वापिस नहीं आएगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलना। टीवी, ये सारे टाइम स्पेंडिंग की चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और टाइम स्पेंडिंग आपको कुछ नहीं देगी, उल्टा जिंदगी का जो गोल्डन टाइम है वो ले जाएगी आपका।
तो अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं है कि भाई उनके पास कोई काबिल है, बस वो अपने टाइम को सही जगह लगाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिच। आप उनसे पूरी दुनिया का सारा पैसा छीन लो कुछ टाइम, आप फिर रिच हो जाएंगे, बिकॉज दे नो हाउ टू इन्वेस्ट देयर टाइम। अंडरस्टैंड हुई तो लिखे, ऑल क्लियर। तो अपने टाइम को आपने कहाँ लगाना है, बिजनेस के अंदर। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई होगी, उसके बाद जो बाकी का टाइम है दोस्तों तफरी तुफरी मार लेना भाई, जिंदगी तफरी हो जाएगी आपकी। नहीं तो अभी टाइम है सीरियस होने का, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का। माँ बाप गुजर गए फिर पछताओगे। समय लिखा है हर किसी का, कितने साल निकल गए कितने हैं किसी को नहीं पता। अपने माँ बाप के लिए काम करो, हर सेकंड अपने माँ बाप के बारे में सोचा, इनके लिए अभी तक क्या किया, क्या करा है मैंने इनके लिए आज तक। मैं हवा में घूमता हूँ, मेरे पास ये दम पे क्या है, अपने दम पे क्या है, कच्चा भी अपने दम पे नहीं होगा बहुत सारे लोगों का। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, सॉरी टू से, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, बस इसलिए बोल रहा हूँ दैट आप सीरियस हो कि हम अपने कपड़े तक अपने दम पे नहीं ले पाते, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है हमने कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं है भाई, तो हमें कोई हक नहीं है टाइम पास करने का। क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन को चलाना कैसे, मैं आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ Mint 23 का जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले 2 PM और 6 PM ये फिक्स टाइम है प्रेजेंटेशन का। किसका प्रेजेंटेशन? जो स्टार्टिंग का सेशन है, जो फर्स्ट सेशन आपने लगवाना है, या तो 2 PM का या 6 PM का, इसका लिंक सेम रहता है। ध्यान से सुन लो, लिंक सेम रहता है, सेम ही लिंक रहता है, ठीक है। इसको आप अभी सेंड करो, कभी करो, ये 2 बजे 6 बजे सेम ही लिंक प्ले होता है। और एक ही ये इंट्रोडक्शन सेशन होता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट सेशन जो आपने अपने पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाना है प्लेटफॉर्म से। जब ये सेशन लग जाता है उसके बाद आपने अपने सीनियर से बात करवानी है, सीनियर अप्रोच बोलते हैं उसको। सेशन लग गया, ओके मैं आपकी ना एक हमारे बहुत ही अमेजिंग सीनियर है उनसे बात कराता हूँ, वो आपको सिलेक्ट करेंगे। आपने अपनी अपलाइन से बात करानी है उसके बाद, जो भी आपकी अपलाइन है उनसे बात कराएं, ठीक है। अपलाइन से बात करी, अपलाइन आगे उसको गाइड करेगा ट्रेनिंग्स के लिए। उसके बाद आपने उसको कुछ वीडियोस सेंड करनी है। वीडियोस कौन सी सेंड करनी है? अगर आपके पास वो वीडियोस नहीं है तो अपनी अपलाइन से ले लें आप। कौन कौन सी वीडियो सेंड करनी है पहले दिन, वो अपनी अपलाइन से ले ले। उसके बाद आपने फर्स्ट ट्रेनिंग कौन सी लगवानी है उसको? आपने फर्स्ट ट्रेनिंग लगवानी है Day 1, जो कि होता है 7 बजे 7 PM। आपका पर्सन बोलता है करना क्या है सेशन के, उसे बोलो भाई 3 दिन की ट्रेनिंग लगानी है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग में ही सारा कुछ क्लियर होगा, क्या करना है कैसे करना है। एक दिन में CID नहीं बनना, एक दिन में डिग्री नहीं होती। क्लियर हो रहा है? तो Day 1 7 PM वो सेशन लग गया। उसके बाद अगले दिन आपने लगवाना है Day 2। उसको बोलना है कि भाई तेरा टेस्ट होगा 3 बूट कैंप के बाद, तेरा टेस्ट होगा प्रॉपर, तो डायरी पेन के साथ लगाना है, नोट्स बनाने हैं डायरी के अंदर। Day 2 होता है 4 PM 4 PM Day 2 के अंदर बताई जाती है प्रोफाइल, फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने अगले दिन कौन सी वीडियो सेंड करनी है वो अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। उसके बाद आता है Day 3 Day 3 है 3 PM जिसमें बताया जाएगा मार्केटिंग प्लान। 3 PM वो सेशन लगवाया, उसके बाद आपने Day 3 पे उसको एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वीडियो जरूर सेंड करने से बोला, भाई बिजनेस की बिजनेस प्लान तो तूने समझ लिया, अब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी देख कितने बेस्ट है, उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वीडियो उसे उसके बाद बताइयो मेरे को कि कौन कौन से प्रोडक्ट तेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वीडियो भेज दो, जिससे उसको जब आप 2 CC प्लान करवाओगे या टेस्ट करवाओगे तो उसके पास नॉलेज होगी। उसको फिर बोलना है तेरा टेस्ट होगा, फिर अपने अपलाइन से अगेन बात करवानी है, उसका टेस्ट करवाना आपने, जो आपके अपलाइन है उनसे क्या कराना है टेस्ट। तो इस तरीके से इसको फॉलो करना है। टेस्ट होने के बाद उसको आप ग्रुप में ऐड कर दो, बिजनेस ग्रुप के अंदर उसे बोले, जैसे आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे आपको 12 बजे और 9 बजे के सेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप बूट कैंप्स के बाद उसको ग्रुप में ऐड करें, या बीच में कोई 12 बजे या 9 बजे वाला अच्छा टॉपिक है तो उसको बीच में भेज दे, बिना ग्रुप में ऐड करे। ग्रुप में ऐड करना है टेस्ट होने के बाद, उसको क्लियर रखना भाई, जब टेस्ट क्लियर होगा तभी आप हमारे ग्रुप में ऐड होगे, तब तक आप एक्स्ट्राज में हो, तब जाके आप परमानेंट हमारे सिस्टम से अटैच होगे। आपको एक हाई परजेंसी क्रिएट करनी है। 12 बजे 9 बजे का सेशन ग्रुप में ऐड होने के बाद लगाएगा। उसके बाद टेस्ट क्लियर होने के बाद आपने नेक्स्ट डे उसको AS प्लान लगवाना है, जो होता है 5 PM। अब ध्यान से सुन लो, आपके लिए एक न्यू अपडेशन है। पहले AS प्लान रोज होता था,
पर अब आपको बताना चाहूंगा, अब एएस प्लान सिर्फ दो दिन ही होगा, एक तो होगा संडे को, एक होगा वेडनेसडे को। सिर्फ प्रेजेंटेशन रोज होगी, सिर्फ एएस प्लान दो ही दिन होगा, एक संडे को, एक वेडनेसडे, एक बुधवार को, एक संडे को, एक वेडनेसडे को और संडे, दो ही दिन एएस प्लान चलेगा सिर्फ। अब इतने आपको अपने पर्सन एक्टिव करने हैं, ऑल क्लियर लिखे अगर क्लियर है तो। बाद कल मत बोलना सर एएस प्लान तो चला ही नहीं, संडे को चलेगा, अब उसके बाद अपना बुधवार को चलेगा, वेडनेसडे को चलेगा। अब रोज एएस प्लान नहीं होगा, सिर्फ हफ्ते में दो ही दिन एएस प्लान होगा। वेडनेसडे और संडे बिठा लो अपने माइंड में और अपनी टीम को भी बताते रहना जो भी नए एएस होंगे। ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, जब आपकी टीम में कोई पर्सन एएस कर लेगा ना, उसको सारी ट्रेनिंग खुद भी देनी है आपने, सारी ट्रेनिंग खुद देनी है आपने, ठीक है। अब इस तरीके से आपने अपने 10 पार्टनर में से 5 पार्टनर का 25 मार्च तक एएस कंप्लीट करवाना है। एएस प्लान के बाद फिर से अपने सीनियर से एक बार बात करा देना कि वो कैसे अपने घर पे बात करो। कुछ वीडियोज है जो शेयर करनी है एएस प्लान के बाद अपने पार्टनर को आपने, वो भी आपके सीनियर आपको दे देंगे, आपके स्पॉन्सर। अब आपने 5 जनों का एएस कंप्लीट करवा दिया एक मंथ के अंदर, चाहे वो कोई भी मंथ है ना, आज से लेके अगली, मतलब 5 जनों का आपने एएस करवाया, टोटल 10 सीसी का बिजनेस हो गया फर्स्ट मंथ। आपका फर्स्ट मंथ हो गया 10 सीसी का बिजनेस। आपका पहले महीने का चेक आएगा 30,000 प्लस का, कितना आएगा 30,000 प्लस का। अगर आपने ज्यादा का कराया तो 6,000 आपको एक पर्सन से आएगा, 6,000 एक पर्सन से आएगा। अगर आपने 7 जनों का करा दिया तो कितना हो गया 42। अगर आपने 10 जनों का करा दिया तो 60,000 से 70,000 रुपए का चेक हो गया। मैं मिनिमम 5 लेके चल रहा हूं जो आपको करना ही करना है। मैटर ये 30,000 नहीं करता, मैटर करता है हमारी टीम बिल्ड होनी चाहिए। टीम बिल्ड होगी क्योंकि टीम इज पावर, नेटवर्क इज पावर। नेटवर्क है तो सीसिया एक दिन में भी 100-100 डलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा भी टाइम आ जाएगा। पर नेटवर्क नहीं है, हमारा मेन काम नेटवर्क क्रिएट करने का ही है, और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करने का है। नेटवर्क क्रिएट नहीं करना, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा नेटवर्क? जब आपके एक एक लीडर के विजन सेट होंगे, जब वो फॉरएवर को टाइम पास के लिए नहीं कर रहा होगा। और टाइम पास वालों को अपने मुंह मत लगाना, टाइम पास वाले लीडर नहीं चाहिए, सीरियस लोगों के साथ काम करना है और सीरियस करना पड़ता है किसी को भी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? क्लियर है? अब नेक्स्ट मंथ आएगा, आपने सेम जो चीज खुद करी आपने नीचे करवानी है। आपने अगले महीने, आपके पास 10 सीसी की लीड आ गई, अब सिर्फ हमारे 15 सीसी रह गए अगले लेवल को कंप्लीट करने के लिए, जो सुपरवाइजर है। 25 सीसी पे है ना सुपरवाइजर, 75 पे असिस्टेंट मैनेजर और 120 पे हमारा मैनेजर लेवल है। अब पहले मंथ 10 सीसी होगा, अगले महीने हमने इनके 10-10 सीसी कंप्लीट करवा दिया अपनी टीम के, अपने डायरेक्ट में भी काम किया। आपने सिर्फ एक टारगेट रखना, आपने महीने में 2 एएस तो करवाने ही करवाने हैं, आपने 4 सीसी का बिजनेस तो अपने डायरेक्ट में हर महीने करना ही करना है, वो नहीं छोड़ना कभी भी। अब उसकी पावर बताऊंगा क्या होगा उसका फर्क, ठीक है। आपने 10 सीसी इनका करवा दिया तो अगले महीने सीधा ही 50 सीसी हो गए आपके, क्योंकि आपको एक एक सीसी आपके आईडी पे भी काउंट होगा, जितना भी बिजनेस होगा ना डाउन टू डाउन सारा आपके आईडी पे भी आएगा। और अगले महीने 50 सीसी हुआ सेकंड मंथ, सुपरवाइजर तो आपको ऑटोमेटिकली हो गया, क्लियर है? सुपरवाइजर तो आपको ऑटोमेटिकली हो गया। आपका चेक आएगा नियर 50 प्लस का सेकंड चेक। थर्ड महीने आपने कुछ नहीं इनका सुपरवाइजर कंप्लीट करवाना है, जो 5% है आपके। अगले महीने इनके 15-15 सीसी कंप्लीट करवा देना, 10 सीसी इनके ऑलरेडी हुए हुए हैं। तीसरे महीने आपने इनके 15-15 सीसी कंप्लीट करवाए तो ये सब क्या बन जाएंगे? सुपरवाइजर। ये सब बन गए सुपरवाइजर, और 15 × 5 करें तो टोटल बनता है, तीसरे महीने का बिजनेस आपका हुआ 75 सीसी का, आप बन गए 75 प्लस 50, 2 मंथ के कॉम्बिनेशन से टोटल हुआ 125 सीसी। और 125 सीसी नहीं, 120 सीसी पे ही हमारा मैनेजर हो जाता है। ये 3 महीने का प्रोसेस है, पर इस 3 महीने को प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको 1 साल भी लग सकता है, मैं पहली बता दूं।
जरूरी नहीं 3 महीने, क्योंकि अभी देखो आपने समझ तो लिया टीम हैंडलिंग की भी स्किल्स होती है, लीडरशिप की, टाइम के साथ आती है। मेरे को खुद पहले 3-4 महीने ये चीज सीखने में लग गया था। आपको जल्दी 3 महीने में मैनेजर नहीं बनना, आप चाहे 1 साल में, 1 साल बाद भी लाख रुपए आने लग गए क्या माड़ा है, 2 साल बाद भी आने लग गए क्या माड़ा है। ऐसे भी लोग हैं जो 2 साल में बने, जिनको टाइम लगा, अच्छे लोग मिलने में टाइम लगा, पर उन्होंने क्विट नहीं किया। जो गिव अप करता है वो जिंदगी भर पछताएगा, उसकी जिंदगी में 1 रुपया भी नहीं आएगा, पर जो चल रहा है वो कभी ना कभी बन सकता है। उसके नीचे मैं आ सकता हूँ, उसके नीचे प्रदीप शर्मा आ सकता है, मेरे को भी तो किसी ने शेयर किया है, मेरे जैसे 10 लोग आपको मिल गए, 10 लाख रोज चेक है महीने का। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप महीने में ध्यान से सुनिएगा, आप महीने में 4 CC कर रहे हैं, 2 AS हर महीने करवा रहे हैं, ठीक है, 2 AS हर महीने करवा रहे हैं, साल में कितने हो गए, 24, है ना, 2 × 12 = 24 हो गए, और 3 साल में कितने हो गए, 24 × 3 कितना होता है, 24 × 3 कितना होगा, 62, इतना ही होगा ना, मैं थोड़ा मेरा कमजोर है फिर भी मैंने अंदाजा लगाया। अब 62 लोगों में से चौथे साल आपके 25 मैनेजर भी बन गए, 25 लोग भी मैनेजर बन गए, आपने 3 साल इसको कंटिन्यू किया, हाँ 72 होता है, मैथ मेरा कमजोर है भाई, चिटिंगे मार मार के पास हुआ हूं मैं, पर फिर भी आ जाते हैं लाखों रुपया। 72 में से आपने 30% की रेशो निकाल ली, 25 लोग भी मैनेजर बन गए, चाहे 5 साल में बने आने वाले, 3 साल में आपने 72 लोगों का AS करा दिया अपने ट्रैक्ट में, उनको डुप्लीकेट बनाया, उनको प्रॉपर सिखाया, उनका साथ दिया, सपोर्ट किया उनकी टीम बनाने में हर चीज में, और 5 साल छोड़ो, चलो 10 साल में भी 25 CC हो गए, सॉरी 25 मैनेजर बन गए 10 साल में भी उनमें से, आपने कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी अपनी, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी, 25 मैनेजर पे आप बनते हो डायमंड मैनेजर, और डायमंड मैनेजर की महीने की इनकम है 30 लाख रुपए महीना। अब मुझे बताओ 30 लाख रुपए महीना 10 साल बाद आने लग गया आपको, 30 लाख रुपए महीना भाई, साल का नहीं कमाते 30 लाख रुपए, लोगों का पैकेज नहीं होता, लोगों का पैकेज तो 6 लाख भी नहीं होता, आज एक अच्छी इंजीनियरिंग करके 3-3 लाख के पैकेज मिलते लोगों को, किसी किसी को, वो भी एक शख्स था, अच्छा कितना कह रहे 1 लाख रुपए, अच्छा 1 लाख रुपए कमाते हैं, अच्छा क्या करते हो आप, कहते जॉब करता हूँ एक जगह, फिर बाद में पता लगा साल का 1 लाख रुपए कमाता है। एक बार याद है मैं चेक दिखाता था, हमने बोलते सर ये साल की इनकम है, ठीक है डियर, लोगों की 10-10 साल की इनकम भी नहीं होती, लोगों की सेविंग नहीं होती इतनी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास फैमिली में, जितने की आप इतना कमाते नहीं है लोग। आज अगर मैं बात करूं, आज मैं 65 लाख की गाड़ी चला रहा हूं, और 65 लाख को अगर मैं बात करूं ना डियर, एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या पावर है सिस्टम, बस मैंने गिव अप नहीं किया, और जो मेरे साथ चले उन्होंने भी गिव अप नहीं किया, आज वो सारे अच्छी अच्छी गाड़ियों में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर 65 लाख मुझे एक नौकरी में जोड़ने पड़ते ना, और मेरी 20,000 सैलरी होती, 65 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 325 डिवाइडेड बाय 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल मेरे को 27 साल लग जाते सिर्फ 65 लाख कमाने, 27 साल बाद में 65 लाख कमाता, अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ 27 साल में कमाता 65 लाख रुपए, उतने की मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये सिस्टम की पावर है डियर। आप देखो मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा, उसके बाद 9 PM का सेशन स्टार्ट होना है आपको डियर। इस बिजनेस में 4 तरह के लोग मिलेंगे, मैं पहली बता दूं, फर्स्ट कैटेगरी होगी जो आपके इंस्टेंट बिजनेस करेगी, सेकंड कैटेगरी होगी जो थोड़ी डाउटफुल होगी, पर अगर आप उनके डाउट क्लियर करेंगे, उनके नेगेटिव डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको कोई भी बोलते ना ये काम है, वो कई बोलेंगे यार ये तो टीम मेकिंग का काम है, यार तो नेटवर्क मार्केटिंग, उस बोलो फिर क्या गलत है भाई इसमें, टीम बनाना गलत है क्या, गलत क्या है इस टीम बनाने में, अगर वो बोले टीम बनाने का काम है, किसी को जोड़ने का काम है कुछ, उसे बोल भाई इसमें गलत क्या है, क्या अपन नौकरी करते हैं, हम भी तो किसी के बिजनेस में जुड़ते हैं, किसके अंडर जब नौकरी करते हैं, हम कपड़े लेने जाते किसी शोरूम वाले से भी तो जुड़ते हैं क्या, अगर हम किसी और का नेटवर्क बन सकते हैं तो खुद का नेटवर्क बनाने में क्या बुराई है भाई, क्या गलत क्या है इसमें, ये चीज बताओ बुरा क्या है इसके अंदर, क्या यहाँ कोई नुकसान हो रहा है किसी का, आपने ये सवाल करना, नेगेटिव क्वेश्चन करे ना, आपने सवाल से सवाल का जवाब देना भाई, प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं तो भाई इसमें बुरा क्या है फिर, प्रोडक्ट लेना गलत क्या, प्रोडक्ट तो वैसे भी तो खरीदते ही हैं, सुबह उठ के पेस्ट करते हो तो प्रोडक्ट है, फोन चला रही भी तो प्रोडक्ट है, पर कोई पैसे आ रहे हैं इससे,
तो अगर कोई प्रोडक्ट यूज करके पैसे आ रहे हैं तो क्या बुरा है भाई उसमें? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरी बात लिख लो भाई, करोड़ रुपया कमा के देगी ये लाइन आपको जो मैं बात बता रहा हूं, लिख लो डायरी के अंदर। लिखते ही तो नहीं हो, फिर बोलते हो सर इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। होएगा ही भाई, जानने से नहीं होगा ना, फॉलो भी करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी डाउटेबल, इनको भी क्लियर कर दोगे करेंगे आपके साथ बिजनेस। तीसरी कैटेगरी होएगी जो डियर ऐसी हो सकती है जिन्हें कभी किया हो बट फेल हो गया। फेल तो फॉरएवर में कोई नहीं होता, क्विट कर देते लोग। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई फेलियर नहीं है, बस क्विटर है। तो ऐसा कोई मिल सकता है? अब क्विट करने के दो रीजन है, एक तो उसके खुद में कमी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं लगानी, अपने सोच लिया बस होगी अब मेरे को अपने आप पैसा आएगा। ऐसे लोग जो मेहनती नहीं होते, तो वो लोग क्विटर होते हैं। एक वो लोग जिनको यह सपोर्ट नहीं मिला होता सही, पर आप उन्हें अच्छे से गाइड करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे साथ एक हफ्ता लगा के देख, तेरे को पता लग जाएगा। चौथी कैटेगरी होती है जो नेगेटिव कैटेगरी होती है, ये इस बिजनेस के लिए बनी नहीं है। सारे भी बिजनेस के लिए नहीं बने, सारे बिजनेस करने लग गए, सारे मर्सिडीज लेने लग गए, मर्सिडीज पे कपड़ा कौन मारेगा भाई, टायर का पंचर कौन लगाएगा, सारी गड्डियां लेने लग गई। तो इस कैटेगरी के लोग है जो धक्के खाने के लिए बने, और ये लोग की पहचान क्या है, ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, ये आपको ही बोलेंगे छोड़ दे, ये ड्रीमर्स नहीं होते। और जो ड्रीमर्स नहीं होते ये ऐसे लोग होते खुद तो बर्बाद रहते जिंदगी में, दूसरों को भी तरक्की नहीं। इन लोगों से बच के रहना, और ये ज्यादातर लोग आपके रिलेशन में होंगे, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पहली बता दो, ज्यादातर लोग ऐसे लोगों से बच के रहना। ऐसे लोगों को एक बात बोलनी है, भाई ठीक है तू जो कर रहा है कर ले, और मैं जो कर रहा हूँ करने दे, टाइम विल टेल द डिफरेंस, तेरे को 2 साल बाद मिलता हूँ। और दूसरी बात ये, अगर तू बोल रहा है ना मैं गलत कर रहा हूँ, चल मैं ये काम छोड़ देता हूँ, तू बता दे कोई काम जहां से मुझे 2 लाख रुपए महीना आ जाए, ये सवाल करो इस बंदे से जो नेगेटिव करता है ना। ठीक है भाई छोड़ देता हूँ, मेरे को 2 लाख महीना कमाने, तू बता दे कहां से आएंगे, बता ना। ऐसे टटमूंजी आगे नहीं बढ़ते ना बढ़ने देते हैं, ऐसे लोग फिर ना फिर मुंह फेरते, कहते मुझे पता है, उसे डायरी पेन पकड़ा दे, ले भाई ले समझाइयो, मेरे को समझाइयो चेयरमैन बोनस कहे, कार प्लान कैसे होता है पूछो उससे। ये वो लोग होते हैं फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, ये सोते हैं फ्री में मुझे सब कुछ आ जाए, बिना काम करे सब कुछ मिले, कुछ नहीं मिलता भाई, टाइम के चपेड़े मिलते और कुछ नहीं मिलता। विक्की जी स्माइल मार रहे हैं, विक्की जी अब काम खींच लो, ठीक है, हंसने में भी तभी मजा है जी, आपका मैनेजर है ना, अच्छे लेवल पे है, तो सीरियस होके काम करना आप सबने। देखो हमने, मैंने सीरियस होके काम किया है, आपने मेरे अभी तक की ट्रेनिंग में कोई भी ऐसी चीज लगी आपको कि मैं सीरियस नहीं हूं? मेरा आपका इस ट्रेनिंग में बैठने का मकसद का मुझे पता नहीं क्या है, पर मेरा इस ट्रेनिंग को देने का एक ही मकसद है, मैं आप सबको मिलियनेयर देखना चाहता हूँ। आप में से कितनों का मकसद मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, पर मेरे दिल में यही है कि आप सबकी इस साल गाड़ियां होनी चाहिए, आप सबकी इनकम 3-3 लाख क्रॉस होनी चाहिए इस साल, ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है, मैं वहां देखना चाहता हूँ आपको। और जब आप अपनी आई पे आ जाओगे ना, तो जितना टारगेट रखा है ना, जितना सोचा है, उससे भी 10 गुना ऊपर हो गया। इंसान कभी भी अपनी पोटेंशियल को कभी पूरा यूज करता ही नहीं, एक इंसान 10% भी पोटेंशियल यूज नहीं करता अपनी, और वो सोचता है मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। इंसान की पोटेंशियल नो लिमिट्स है, जैसे समुंदर नो लिमिट्स है ना, वैसे इंसान की पोटेंशियल नो लिमिट्स होती है। बस वो ये सोच लेता है कि बस इतना ही कर सकता हूं मैं, और यही सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। तो जब आप सोचो ना इतना ही कर सकता हूं, आओ इससे भी ज्यादा कर सकता हूं, ये बोलना आप। और आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा मैं, इस महीने 17 मार्च को एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट हो रही है, एक न्यू कार हमारी फैमिली में आ रही है, हमारे को फाउंडर मिस मोनिका शर्मा मैम बाय कर रहे, जल्दी उसका डाटा एंड हाइप वगैरह डलेगी। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जितने पार्टनर 4cc 6cc जिनका रह गया था अचीव होना, तो हमने पोस्टपोन कर दिया है हमारा इस महीने का इवेंट 20 तारीख को, 20 मार्च को हम इवेंट करेंगे जो हमारा रिकॉग्निशन एंड ट्रेनिंग इवेंट रहेगा। तो आपकी टीम में जो भी है तो उसकी अच्छे से हाइप जगाओ, और आप सबने स्टेज पे होना है 20 मार्च को। क्या होएंगे, कमिटमेंट करते हैं, और जिन्होंने पासिस बुक नहीं कर रहे हैं अपने पासिस बुक कर लें, क्योंकि पासिस ऑलरेडी 70% पास बुक हो चुके हैं अभी तक। तो मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी रहे, आपकी टीम रहे, पहली करा के रखो भाई, 450 सीटें से ऊपर नहीं है, पर पार्टनर बहुत ज्यादा है।
ठीक है। सो बाकी आज आप सबने तीन चीजें करनी है। पहली चीज चार्ट लो, उसके ऊपर अपना गोल बनाओ 25 मार्च तक का। दूसरी चीज डायरी लो, डायरी के अंदर प्रॉपर लिस्ट बनाओ जिनको इनविटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन जिनकी कराते हो उनका नाम और जो रेगुलर है उनका नाम। तीसरी डायरी जिसके अंदर नोट्स बनाने हैं, जितने भी आप ट्रेनिंग लगाते हो उसके नोट्स बनाने हैं आपने तीसरी डायरी के अंदर। एक चार्ट, एक डायरी, अकाउंटेबिलिटी करनी है अपने काम की, रोज की कितने लोगों को मैंने बिजनेस शेयर किया, कितने कॉन्टेक्ट नंबर है, कितनी 50 कराई, कितने रेगुलर है और किसको कौन सा डाटा सेंड कर चुका हूं मैं या कर चुकी हूं। तीसरी डायरी अपना नॉलेज, क्रिएटिविटी करनी है उस डायरी के अंदर, जितनी ट्रेनिंग आते हो नई बातें सुनने को मिलते लिख लो, यही बातें इंप्लीमेंट करनी है आपने। और मैंने आपको दो बातें ऐसी बताई है ना, पार लगा देगी आपको, ठीक है। बाकी चक दो फट्टे, डू योर बेस्ट एंड सभी ट्रेनिंग का रिव्यू जल्दी जल्दी ग्रुप के अंदर डालो एंड जल्दी इस साल, इस महीने, पिछले मंथ हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी फरवरी मंथ के अंदर और इस महीने उस ग्रोथ को हम 10 times ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। आप सबके ट्रैक्ट में 10 CC+ बिजनेस होना चाहिए। डू योर बेस्ट, चक दो फट्टे।